हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारी एक व्यूअर हैं कविता कौशिक, जिन्होंने सवाल पूछा है कि सर पेरोल ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होगा, और एक सवाल पूछा है। तो पहले एक का जवाब देता हूँ। देखिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए आपको टैली प्राइम में ये जो क्रिएट दिया है ना, यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पेरोल मास्टर ठीक से ना दिखाई दे रहा हो तो इस पर क्लिक डबल क्लिक करिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर आप चाहे तो एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पेहेड बना रखा है, पेहेड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक पेहेड बनाया हुआ है, दूसरा पेहेड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पेहेड क्या बनाएंगे, टीए बनाते हैं। तो ये लिखा टीए, एंटर करते हैं। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। और ये अर्निंग फॉर इम्प्लॉइज होगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और ये क्या करेंगे, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटर करेंगे। अब देखिए पेहेड का कितना जो है इसमें, देखिए अगर 20,000 तक है तो 2% का टीए मिलेगा। ठीक है, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो टीए कितना मिलेगा, 3%। चाहे 20,000 से जितना ज्यादा हो 3% का टीए मिलेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब क्या करेंगे, डीए, डियरनेस अलाउंस बनाते हैं, तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी वेरिएबल ही रखते हैं इसको, और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके एंटर करके एंटर करके, और इसको भी क्या रखेंगे, इसको भी रखते हैं ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पर आकर के आगे बढ़ेंगे, और फिर देखिए ये भी क्या होता है, ये भी हमारा करंट अर्निंग ही होता है, इसे भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत आएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, फिर देखिए वही चीज, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना बनेगा। वैसे अमाउंट भी डाल सकते हैं आप, 2.50% कर दिया, और 20,000 तक है तो 2.50, और 20,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 3.50 डियरनेस अलाउंस आपको मिल जाएगा। तो ये हमने टीए और डीए दो बना लिया। ठीक है, इसके अलावा एक हमने और बनाया है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा अल्टर पे, अल्टर पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ बनाया हमने। यहाँ देखिए ये पेहेड बनाया मैंने, तो देखिए एक तो पेहेड, ये दोनों मैंने बना के दिखाया ही आपको। ये जो है बेसिक सैलरी है, इसको दिखा देता हूँ। बेसिक सैलरी को अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखा है, यहाँ पे फिक्स्ड इनकम रखा है, जनरली अधिकतर मामलों में फिक्स्ड ही रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा है, सैलरी नेट सैलरी अफेक्टेड यस किया है, बेसिक सैलरी यहाँ पर है, ऑन अटेंडेंस इसे रखेंगे। और यहाँ पर एक लीव बना लिया है मैंने, और यहाँ पर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बस ये जो है बेसिक सैलरी का लेजर है, यानी कि बेसिक सैलरी का पेहेड है। ठीक है, और कोई पेहेड बनाना है जैसे इन्होंने कहा है ओवर टाइम का, तो यहाँ ओटी करके बना सकते हैं आप ओवर टाइम। ठीक है, एंटर करेंगे, ये भी अर्निंग ही होगा, और ये तो फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये तो वेरिएबल रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको क्या रखेंगे, ऑन प्रोडक्शन रखेंगे। तो ये ऑन प्रोडक्शन पे आके प्रोडक्शन टाइप, ठीक है, प्रोडक्शन टाइप में क्या बनाएंगे, देखिए प्रोडक्शन टाइप आवर्स में होता है, मिनट्स में होता है। ठीक है, ये ओवर टाइम करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यूनिट बना लेंगे। तो यूनिट में क्या करते हैं, आवर्स एचआरएस बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मल नेम आवर्स एच ओ यू आर एस कर लेंगे, एच ओ यू आवर्स। और यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं देना है, क्वांटिटी इसको खाली छोड़ना है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और आवर्स में हमने बना लिया है, और इसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये हो गया, ये ओवर टाइम का भी हमने बना लिया। अब जब हमको एंट्री पास करनी होगी तो एंट्री बड़ी आसान है, बी बटन प्रेस करके आ जाएंगे, कहाँ, सीधा पेरोल बाउचर में आएंगे, और पेरोल से भी पहले अटेंडेंस में आएंगे। तो ये देखिए ये अटेंडेंस जो दिखाई दे रहा है, यहीं पे हमें जाना है, एंटर करना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बनाना है आपको एक एम्प्लॉय क्रिएशन करना है। तो एम्प्लॉय में अमन सिद्दीकी करते हैं, एक एम्प्लॉय का नाम अमन सिद्दीकी है मान लीजिए, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। देखिए सैलरी की डिटेल को डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे आएगी, बेसिक सैलरी देनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अमन सिद्दीकी की बेसिक सैलरी है 25,000। ठीक है, एंटर किया, डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ओवर टाइम ऑटोमेटिक कितना रेट क्या रहा, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पे रेट रहा। टीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एम्प्लॉई का नंबर डालना है, तो ये एम्प्लॉई का नंबर हो गया। डेजिग्नेशन, ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे ये कैशियर हैं, तो यहाँ पे कैशियर कर देते हैं, ये कैशियर क्या, और फंक्शन क्या है, कैश का काम है इनका। ठीक है, कैशियर का ही काम है। और यहाँ पे लोकेशन देवरिया वगैरह करके एंटर करके, और यहाँ पे जेंडर मेल हो जाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इनकी जो भी हो 1590 कर देते हैं, एंटर करेंगे,
और यहाँ पर जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह हो वो सब डाल करके आगे बढ़िएगा, बैंक डिटेल प्रोवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे पैन नंबर आएगा, जो भी इनका पैन नंबर हो वो डाल करके आगे बढ़िए, और आधार नंबर वगैरह सब कुछ एंटर कर दीजिए। ये जो है लीव लिया है इन्होंने, कितने दिन लीव लिया है, 3 दिन, तो 3 दिन की सैलरी इनकी डिडक्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ओवर टाइम भी किया है तो ओवर टाइम वाला भी यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ओवर टाइम का, तो ये ओवर टाइम है, तो कितना ओवर टाइम है, तो 6 घंटे इन्होंने ओवर टाइम किया है, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे अदर वाउचर दिया गया, अदर वाउचर से जाना है हमें पेरोल पर, ठीक है, या कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये आ गए, अब हम कैश में इनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको, अमन से दीदी को। तो आपको अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑटो फिल दिया गया है, कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो पेरोल ऑटो फिल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास टैली का एजुकेशनल मोड है, तो एजुकेशनल मोड में 30 तारीख वाला डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 1 मई कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगा तो 1 तारीख से 1 तारीख के लेगा, ठीक है। ये हो गया, और इन्हीं की सैलरी हमें देखनी है, अमन की एम्प्लॉई है और बाकी इनको कैश दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल यहाँ पे निकल करके आ रहा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है, एंटर करिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा। तो ये हो गया, अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इनकी पे स्लिप देखते हैं, पे स्लिप कहाँ से देखेंगे, ये भी एक सवाल होता है। तो यहाँ से आना है आपको कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, ये जो दिख रहा है ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है, पेरोल रिपोर्ट पे जाना है, तो नीचे देखिए पेरोल रिपोर्ट है, इसके लिए पी प्रेस कीजिए और फिर पे स्लिप पे आ जाइए, और किनकी पे स्लिप, अमन सिद्दीकी की पे स्लिप, और यहाँ से अल्ट पी करिए, एंटर करिए और आई बटन प्रेस कर लीजिए, लीजिए अमन सिद्दीकी की पे स्लिप यहाँ पर आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के 26,625 सैलरी इनकी बननी थी, लेकिन कुल मिला के कितना आ रहा है, 26,005 रुपये 24 पैसे ये इनकी सैलरी बन रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है, एबसेंट के हिसाब से सैलरी कट भी जाएगी, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। हालांकि इसमें मैंने PF डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन इससे काम बन जाना चाहिए, बताइएगा मुझे अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है।